नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 जुलाई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा मानसून सत्र, शिक्षा विभाग में 1 से 13 अगस्त तक छुट्टियों पर लगी रोक। विधानसभा के मानसून सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 10 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभागीय आदेशों में अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए कहा है। खबर, कर्मचारी चयन आयोग से जेओआईटी पोस्ट को 939 का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जेओआईटी पोस्ट को 939 की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। नकल के कारण ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में रही है। आयोग ने पोस्ट कोड 939 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 295 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2021 में आवेदन मांगे थे। इसके बाद आयोग ने 24 अप्रैल 2022 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। इन पदों के लिए सूबे के 118,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मानसून सत्र की अधिसूचना जारी, पहले दिन विधायकों से मिले 35 सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही राज्य विधानसभा सचिवालय को पहले दिन विधायकों से ऑनलाइन 35 सवाल मिले हैं। सड़क, पेयजल, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विधायक सवाल भेज रहे हैं। सत्र 4 दिन 10 से 13 अगस्त तक चलेगा, इसमें 4 ही बैठकें होगी। 11 अगस्त को गैर सरकारी सदस्य दिवस होगा। विधायकों से मिले 35 सवालों में से 16 तारांकित है जो मौखिक जवाब के लिए भेजे गए हैं। विधायकों के इन सवालों के जवाब बनाने के लिए विभागों को भेजना शुरू कर दिया है। हिमाचल में कोरोना से 84 साल के व्यक्ति की मौत, 583 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में कोरोना संक्रमण से 84 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं 583 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 21, चंबा के 84, हमीरपुर के 24, कांगड़ा के 122, किन्नौर 9, कुल्लू 33, लाहौल स्पीति 7, मंडी 92, शिमला 93, सिरमौर 52, सोलन 12, ऊना के 24 मरीज शामिल है। वहीं एक दिन के अंदर 364 मरीज भी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,91,669 पहुंच गया है। वर्तमान में 3,157 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। एचपीयू ने लिया फैसला, कॉलेजों में जारी रहेगी एडमिशन की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में चल रहे विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल खुला रखने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने कहा है कि कॉलेजों में एडमिशन को लेकर बुधवार को अंतिम तिथि थी, लेकिन अभी तक ICSE और CBSE की 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित न होने के चलते अभी भी कई विद्यार्थी कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाए हैं। ऐसे में 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने तक कॉलेजों में एडमिशन संबंधित पोर्टल खुला रखा जाएगा। जब तक CBSE और ICSE रिजल्ट घोषित नहीं करती है, तब तक कॉलेजों में दाखिलों की प्रक्रिया जारी रहेगी। आटा टनल के पास कचरे पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव सहित DC कुल्लू को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आटा टनल के आसपास कचरे के ढेरों पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश अजमल ए सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दुआ की खंडपीठ ने मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव पर्यटन लाहौल स्पीति और कुल्लू के उपायुक्तों, BRO दीपक प्रोजेक्ट, प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद मनाली को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने प्रतिवादियों को शपथ पत्र दायर कर क्षेत्र में फैली गंदगी को हटाने के लिए एक्शन प्लान की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने वाले नियम, पिछले एक वर्ष में वसूले गए जुर्माने की रकम की जानकारी भी मांगी है। आटा टनल के आसपास गंदगी रोकने के लिए बनाए गए अथवा बनाए जाने वाले प्रावधानों की जानकारी भी मांगी गई है। इसमें चेतावनी बोर्ड, डस्टबिन, पुरुष और महिलाओं के लिए शौचालय और क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे उपाय शामिल है। ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश, नेशनल हाईवे समेत 31 सड़कें बंद, 126 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच बारिश से कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में एक नेशनल हाईवे समेत कुल 31 सड़कें बंद है। बारिश के कारण 126 बिजली ट्रांसफार्मर और 15 पेयजल योजनाएं भी ठप हो गई है। चंबा में ब्रह्मोर पठानकोट नेशनल हाईवे सहित 2 दर्जन सड़क मार्गों पर वाहनों के पहिए थम गए हैं।
मैला में कीचड़ में फंसी बलैरो गाड़ी को लोगों की मदद से निकाला गया है। मक्की की फसल को भी भारी नुकसान की सूचना है। किन्नौर के सालकर पंचायत में बाढ़ आने के दूसरे दिन भी नेशनल हाईवे 5 बंद रहा। काज और स्पीति के लिए संपर्क मार्ग बंद होने से लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने को मजबूर है। खबर एचपीयू शिमला से। एचपीयू में परीक्षा के बाद ही मिलेगा पीएचडी में प्रवेश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अब यूजीसी के नियमों के तहत ही परीक्षा के बाद पीएचडी में प्रवेश देगा। इसके लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए रखी गई सुपर न्यूमरी सीट और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रिएट की गई सीटों के लिए भी प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश में यूजीसी के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। ऐसे एचपीयू में बिना प्रवेश परीक्षा शिक्षकों और अधिकारियों के बच्चों को सीधे दिए गए प्रवेश जैसे विवाद फिर से खड़े नहीं होंगे। हिमाचल के 7 कबड्डी खिलाड़ियों को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए की डाइट मनी। खेलो इंडिया राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर हिमाचल के 7 कबड्डी खिलाड़ियों को भारत सरकार की ओर से प्रतिमाह डाइट मनी के रूप में 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। ऐसा पहली बार हुआ जब हिमाचल के 7 कबड्डी खिलाड़ी इसके लिए पात्र होंगे। इसमें 6 खिलाड़ी बीबीएन के हैं। इससे पहले हिमाचल की 3 महिला खिलाड़ियों को ये डाइट मनी मिलती है। एचपीयू के 6 को ने उठाई मांग, 7वां यूजीसी पेश के लागू करने की शीघ्र जारी हो अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 6 को ने 7वां यूजीसी पेश के लागू करने के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग की है। बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से अपोटा के पदाधिकारियों ने पीएचडी और एमपीएल इंक्रीमेंट्स बहाल करने, सुपर न्यूमरी सीट पर शिक्षकों को पीएचडी में प्रवेश देने के वर्तमान में लागू नियमों को जारी रखने की भी मांग उठाई है। बड़ी खबर, उच्च शिक्षा निदेशालय से 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की रोक सकती है वार्षिक वेतन वृद्धि। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक सकती है। इन कक्षाओं में 20वीं कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से स्कूल अनुसार परीक्षा परिणाम देने को कहा है। इसके तहत 100% परीक्षा परिणाम देने वाले 100 स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी पत्र के माध्यम से स्कूल शिक्षा बोर्ड से 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, टॉप 500 विद्यार्थियों, टॉप 50 विद्यार्थियों, 80 से 100% और 25 से 50% परिणाम देने वाले स्कूलों के नाम भी मांगे हैं। इसके अलावा 49% तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और स्कूलों के नाम देने को कहा गया है। 100 से 25% तक परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों का ब्यौरा भी मांगा गया है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी होगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सिफारिश की जाएगी। खबर एचपीयू से। पीजीडीसी और एमए एजुकेशन की डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसी द्वितीय सेमेस्टर रेगुलर और प्रथम सेमेस्टर रीअपेयर परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 25 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक चलेगी। इन परीक्षाओं के लिए 29 कॉलेजों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने एमए एजुकेशन द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त तक चलेगी। अन्य जानकारी के लिए आप ऑफिशियल एचपीयू की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। खबर एचपी टैट से। जेपीटी और शास्त्री के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी 24 जुलाई को। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 24 जुलाई को अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाएगा। इस दिन 2 विषयों जेपीटी और शास्त्री के लिए टैट होगा। जेपीटी की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे और शास्त्री टैट दोपहर 2 से 4:30 बजे तक करवाया जाएगा। अभ्यर्थी इन दो लिखित परीक्षाओं के लिए अपने अनुक्रमांक पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। खबर तकनीकी शिक्षा बोर्ड से 27 जुलाई तक चुने हुए कोर्स में बदलाव कर सकते हैं अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा और लैटरल एंट्री टेस्ट अभ्यर्थियों को राहत दी है। जिन अभ्यर्थियों ने बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट 2022 और लैटरल एंट्री टेस्ट लीट 2022 के आवेदन पत्र में अपने 10वीं और 12वीं कक्षा के अंक परिणाम घोषित न होने के कारण दर्ज नहीं किए थे, वे अपने अंक का बोर्ड की वेबसाइट के एडमिशन 2022 लिंक पर 20 से 27 जुलाई तक दर्ज करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के धर्मशाला सचिव आर के शर्मा के मुताबिक 27 जुलाई तक यदि सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट नहीं निकाला जाता तो इस स्थिति को आगे बढ़ा दिया जाएगा। रामपुर में विधायक नंदलाल के खिलाफ उतरा कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा।
टिकट में बदलाव की उठाई मांग। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के गृह क्षेत्र रामपुर में विधायक नंदलाल के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विधायक नंदलाल से नाराज वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संघर्ष समिति का गठन किया है। उनका कहना है कि अगर हाईकमान फिर से 3 बार विधायक रहे नंदलाल को रामपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट देता है तो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि विधायक नंदलाल पिछले 15 सालों से निष्क्रिय है, ऐसे में इस बार प्रत्याशी बदलना जरूरी है। वे हर क्षेत्र में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रही है। इसमें ये सामने आया कि मौजूदा विधायक ने कभी उनसे संवाद नहीं किया है, अभी तक गहन सराहना और तकलीफ में बैठ के हो चुकी है। बड़ी खबर, कलयुगी चाचा की करतूत, 5 साल की मासूम भतीजी से कर डाला घिनौना काम। शिमला में कलयुगी चाचा द्वारा 5 वर्षीय भतीजी से दुराचार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बालूगंज थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां ने बालूगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसका देवर रात के समय घर में आया और उसकी 5 साल की बेटी से दुराचार किया। पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शीघ्र ही आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाएगी। आरोपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया ये पता आरोपी से पूछताछ के बाद ही चल पाएगा। मामले को लेकर जांच जारी है।